नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वार्ड नंबर 5 हरवंश कॉलोनी में सोमवार को अमानगंज नगर परिषद के नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद दुबे का जोरदार स्वागत हुआ। स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी के वरिष्ठ नेता अशोक द्विवेदी के निवास में वार्ड वासियों ने प्रहलाद दुबे का तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वरिष्ठ नेता अशोक द्विवेदी ने आभार जताते हुए कहा कि प्रहलाद दुबे जमीन से जुड़े कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। उनके प्रतिनिधि बनने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी, साथ ही उनके लोगों की समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से होगा। वहीं नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद दुबे ने कहा कि वे विधायक द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे और अमानगंज में एक नए विकास की शुरुआत होगी। हमारे माननीय श्री सुदयाल बागरी जी विधायक जी के द्वारा जो हमें नगर पंचायत अमानगंज में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वो हमारा ये उद्देश्य है कि जो कि विधायक जी की जो इच्छा है कि इस नगर में जो जनहित के कार्य हैं उनको पूर्ण कराने के लिए तथा जो भी समस्याएं हैं उनको हम विधायक जी को अवगत कराएंगे तथा उन विधायक जी के माध्यम से जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार पूर्ण हुआ है उनकी हम विधानसभा करवाएंगे, जिससे कि जनता को यहाँ पर न्याय मिल सके और पूरे नगर में सफाई, पेयजल और जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से। अमानगंज में अनावश्यक रूप से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगी हुई हैं, उनको कब तक निकाला जाएगा? अमानगंज की बहुत बड़ी मांग है। नहीं, वो हमारी जो परिषद की बैठक होगी उसमें हम लोग ये प्रस्ताव लाएंगे, जो भी नगर के हित में कार्य होंगे उनको हम शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे और जो भी अनावश्यक पंचायत में नगर पंचायत में व्यय हो रहा है उस पर हम पूर्ण रूप से प्रतिरोध लगवाएंगे। अमानगंज में एक अच्छे रोड की काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की इच्छा है, वह सपना कब पूरा होगा? हम माननीय विधायक जी के माध्यम से और शासन प्रशासन को भेजेंगे कि डिवाइडर के से बनकर डिवाइडर द्वारा रोड का निर्माण है, जिसमें कि नगर अमानगंज एक शहर की ओर विकसित हो। हमारे वार्ड नंबर 5 में एक ये गली है, इसका निर्माण कब होगा? अब चूंकि परिषद जब बैठेगी और उसमें एजेंडे में आएगा उसका शीघ्र निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।